बॉलीवुड के फेमस सिंगर और इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण अक्सर ही न्यूज़ में छाए रहते हैं, लेकिन अपने सिंगिंग और होस्टिंग से ज़्यादा चर्चे आदित्य के विवादों के हैं। आदित्य नारायण किसी न किसी कारण अक्सर ही मुसीबतों में घिरे रहते हैं। अब एक बार फिर से आदित्य पर टूट पड़ा है मुसीबतों का पहाड़। हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पर आदित्य नारायण ने एक कंटेस्टेंट को कुछ ऐसा कह दिया कि बस वहीं से शुरू हो गए कंट्रोवर्सीज के सिलसिले। अभी हाल ही में आदित्य ने शो में सवाई भट्ट से बात करते हुए महाराष्ट्र के अलीबाग के बारे में कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि महाराष्ट्र के लोगों को बुरा लगा। बस फिर क्या, MNS ने आदित्य को माफी मांगने की सलाह दी, जिसके बाद आदित्य ने दर्शकों से हाथ जोड़ माफी मांगी। यह कोई पहली बार नहीं जब आदित्य इस तरह के चर्चा में आए। इससे पहले भी वह काफी बार कई किस्सों की वजह से फेमस रह चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही किस्से। साल 2017 में आदित्य रायपुर एयरपोर्ट स्टाफ से भी उलझ चुके हैं और उस वक्त उन्होंने स्टाफ मेंबर को काफी हर्टिंग कमेंट भी किए थे, जिसके चलते उनको खुद ट्रोल होना पड़ा था। साल 2018 में आदित्य एक एक्सीडेंट केस के लिए अरेस्ट भी हो चुके हैं। आदित्य को तेज ड्राइव करते हुए ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने का केस हुआ। हालांकि एक्सीडेंट के बाद आदित्य ऑटो रिक्शा ड्राइवर और उसके पैसेंजर को हॉस्पिटल भी लेके गए थे। साल 2011 में आदित्य को उनके गलत बिहेवियर की वजह से थप्पड़ भी खाना पड़ा था। उन्होंने नशे में एक लड़की को उल्टा सीधा बोल दिया, जिसपे लड़की ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। खैर, सभी को बता दें, 1 दिसंबर 2020 में आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं और फैंस काफी खुश भी हैं।